ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. तो अगर ये यूनिट वेक्टर है, मुझे एक बात बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर और सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी. तो ट्राई किया था आप लोगों ने. नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी? देखो जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है वी. ये होती है लीनियर वेलोसिटी. इफ ओमेगा, ये ओमेगा है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड ये है रेडियस. तो ये ना हम सर्कुलर मोशन में एक टॉपिक करेंगे कि लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर. तो फॉर्मूला ही नोट कर सकते हो, और तो कुछ कर नहीं सकते इसमें. तो फॉर्मूला नोट कर लो इसमें, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर. और क्योंकि आपको ओमेगा वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर गिवन है, इसका क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट. निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट, आंसर आ जाएगा. राइट, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट. मैंने किया हुआ है वैसे, क्रॉस प्रोडक्ट किया हुआ है. अभी कर लो, कर ही लो फटाफट, घर जाके कौन करेगा. अभी कर लो इसे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, ऑप्शन देखो, वेरीफाई करो क्या आ रहा है. v लीनियर वेलोसिटी है, w ओमेगा है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r. डी आ रहा है, हाँ, -18 आ गया, वहीं छोड़ दिया. मैं भी होता, मैं भी वहीं छोड़ देता. पूरा सॉल्व करेंगे, जरूरत क्या है? क्योंकि पहला ऑप्शन ऑब्जेक्टिव साथ साथ ऑप्शन भी देखनी है ना. तो पहला ऑप्शन आई कैप में ही -18 आ रहा है, तो आगे ऑप्शन चेक करो, कहीं -18 है ही नहीं, बस वही डी आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट है एंगल, आप निकाल लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं. अच्छा एंगल, हाँ, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, तो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बाई ए बी, जब आप इसे करेंगे तो आंसर 1/√3 आएगा. और ये ऑप्शन में है ही नहीं, 1/√3 के हिसाब से आंसर निकल नहीं सकता, आंसर नन होगा. ठीक, आंसर नहीं आएगा. जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ 3i cap + 4j cap अलोंग i cap + j cap. किया था हमने, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर कॉम्पोनेंट निकालना है. कैसे किया था? ए कॉस थीटा के पीछे क्या लगेगा? बी कैप. तो ए कॉस थीटा के पीछे बी कैप. ए कॉस थीटा हमने निकाला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी. ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया. और बी कैप कैसे निकलेगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो कितने लोगों का हो गया ये? डाउट है किसी को? तो ठीक है, तो कैसे किया समझ में आ रहा है? इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है, ये वाला कंपोनेंट ऑफ, ये कितने लोगों का हुआ? देखो इस क्वेश्चन में कंपोनेंट ऑफ 3i cap + 4j cap ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है. किस पे? आई कैप प्लस जे कैप पे नहीं निकालना. उसने क्या कहा? कंपोनेंट निकालना है इस वेक्टर का परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप के ऊपर. तो आई कैप प्लस जे कैप का परपेंडिकुलर वेक्टर निकलेगा, उसके ऊपर कंपोनेंट निकालना है. इसके ऊपर तो निकालना ही नहीं. अब कोई मुझसे यह पूछे कि अगर आई कैप प्लस जे कैप है ये वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? तो मैंने सोचा ऐसे बनाता हूं, आई कैप माइनस जे कैप. क्यों? क्योंकि जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा 1 और -1, आंसर क्या आएगा? 0. इसका मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, तो एक ऑप्शन नहीं हो सकता है. फिर एक स्टूडेंट आया, वो कहता है ऐसा करो जे कैप माइनस आई कैप. क्या देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 × -1 - 1 और 1, आंसर 0. कोई दिक्कत नहीं इसमें. नेक्स्ट है, कोई कहता है ऐसे करो 2i cap - 2j cap. तो इसको करोगे तो 2 और -2. कोई कहता है 3i cap - 3j cap. कोई कहता है 4i cap - 4j cap. तो सारी उम्र निकल जाएगी, वेक्टर परपेंडिकुलर जितने मर्जी लिखवा लो, क्या फर्क पड़ रहा है? सही है.
हम कौन सा चूज करें? ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन ध्यान से देखो, चारों में क्या यूज किया जा रहा है? जे माइनस आई, तो बस मैं यही यूज करूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं चूज कर पाओगे सब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली चूज कर पाओगे ऑप्शन देख के। तो ऑप्शन देख के क्या लेंगे हम? जे कैप माइनस आई कैप। क्लियर? क्या पॉइंट क्लियर है? तो अब यानी कि ए वेक्टर ये रहा और मुझे इसका कंपोनेंट आई कैप प्लस जे कैप के परपेंडिकुलर वेक्टर पे निकालना है, जो कि क्या है? जे कैप माइनस आई कैप। अब आपको पता है, और साथ में ये भी कह रहा है कि इसका जो कंपोनेंट निकलेगा वो इसी के प्लेन में निकलेगा, वो तो है ही, जो कंपोनेंट है वो एक्स वाई प्लेन में निकलेगा, ए वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में है तो इसी प्लेन में निकलेगा, ये इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? ए कॉस थीटा बी कैप। तो ए कॉस थीटा बी कैप, तो ए कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज रूट टू, तो ए कॉस थीटा आ गया, और बी कैप क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऑप्शन मार्क करेंगे आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? तो कंपोनेंट है इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर, बाकी प्रोसीजर सेम है जैसे हम अपने कंपोनेंट्स के क्वेश्चन करते आए हैं। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल मूविंग ईस्टवर्ड, कर लिया आज हमने, सेम क्वेश्चन था जो आज मैंने शीट में करवाया। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कोई तरीका नहीं सिर्फ क्या, हाँ ये तो बिल्कुल मत कर देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं चलेगा, डॉट में चलेगा ना क्रॉस में, ब्रैकेट ओपन करना ही चलेगा। तो ब्रैकेट ओपन करो, ए क्रॉस ए, ए माइनस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। तो ए क्रॉस ए क्या है? ए ए साइन जीरो इज जीरो। ए बी क्या है? ये ऐसे ऐसे लिख दो, ये भी ऐसे लिख दो, और ये क्या आएगा? जीरो। अब कई लोग जल्दबाजी में काट देंगे आंसर, कहेंगे जीरो, कॉमन मिस्टेक है, एक जैसे लग रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि वेक्टर में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फर्क है। तो अगर आप इसको उल्टा करते हैं ऑर्डर, तो साइन क्या लगेगा यहां पर? नेगेटिव। देखो कटा नहीं ना, तो आंसर क्या आ गया? माइनस टू ए क्रॉस बी, आंसर नन है, जीरो नहीं है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, माइनस का फर्क आएगा। क्या स्टेप क्लियर है? और क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो ये बिल्कुल भी क्रॉस या कैंसिल नहीं हो सकते। पॉइंट समझ में आया कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? नेक्स्ट है, अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है? जीरो है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो एंगल जीरो ही तो होगा। नेक्स्ट है, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, कितने लोगों को समझ में आ गया एंगल 180 है? 180 का मतलब पाई, हाँ, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, देखो बी क्रॉस ए को अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं तो मुझे साइन क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो ए क्रॉस बी का ये वेक्टर नेगेटिव वेक्टर है, नेगेटिव का मतलब बिल्कुल डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो एंगल क्या होगा? 180। ठीक, नेक्स्ट है टेंथ, टेंथ क्वेश्चन में पहले बताओ ये सही लिखा है, क्योंकि वेक्टर के बीच में डॉट नहीं है क्रॉस नहीं है, मैंने कहा था या डॉट होगा या क्रॉस होगा, या सही है? क्यों सही है? तो फिर ए के ऊपर एक है, ए मैग्नीट्यूड है, ए के ऊपर ना कैप है ना वेक्टर है, कोई नंबर है, कोई नंबर हो सकता है, स्केलर है, तो ये तो कोई चक्कर ही नहीं, अकेला वेक्टर इसमें बी कैप ही है बस, ये तो वेक्टर है ही नहीं इसमें, तो डॉट क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है। स्केलर और वेक्टर में डॉट या क्रॉस थोड़ा लगता है, वेक्टर वेक्टर में लगता है, ये तो वेक्टर है ही नहीं, ऐसे ही अलाउड है। कह रहा है दोनों इक्वल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव की ना शक्लें देख लिया करें, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये डी सही नहीं लग रहा कुछ, क्यों? क्योंकि अगर मन में इसे ओपन करूंगा तो क्या आएगा? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा? वन इंटू कॉस थीटा। आंसर वैसे ही मैच नहीं करने वाला, उसने कहा कौन सी स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, नो डाउट इसमें आंसर डी है, डी आंसर है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ए बी कॉस थीटा है और एक वन वन कॉस थीटा है। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा, फिर भी अगर आपको और भी चीजें चेक करनी होती हैं तो आपको ये आना चाहिए। तो सपोज मैंने स्टेटमेंट लिख ली, अगर मैं दोनों साइड्स का मॉड लगाऊं तो
तो मॉड में ये ए आ गया, बी कैप का मॉड वन है, ये बी आ गया, ए कैप का मॉड वन है, तो ए किसके इक्वल आ गया, बी के, तो ए बी के इक्वल है, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। अब फिर से ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी, तो ए बी के इक्वल है काट दिया, तो क्या आ गया, ए कैप बी कैप के इक्वल है, ये भी करेक्ट है। अब ए कैप बी कैप के इक्वल है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो वेक्टर भी दोनों का सेम है, तो बचा क्या, डी ऑप्शन। पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे समझना है इसे। टेंथ के बाद क्वेश्चन नंबर 11th, तो यूनिट वेक्टर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने कर लिया। ये नहीं करना, 13 प्लस 2 का क्वेश्चन डल गया, इसमें नहीं करना। ये क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एफ वेक्टर गिवन है, इज डिस्प्लेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर वर्क डन, वर्क डन जूल में आएगा और वही क्या मानी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो आपने सिर्फ वर्क डन निकालना है, वही क्या मानी जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है 15th, देखो सी लग रहा है, सी ही है, क्या कह रहे हैं, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको बताना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर जो इनके परपेंडिकुलर, वो क्या होगा। हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या पता होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप ही वो यूनिट वेक्टर है जो ए और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या किया था, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और जो नया वेक्टर आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी दोनों के साथ 90 डिग्री पे होगी, और आपको क्या निकालना है, ये यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए ए बी साइन थीटा इसके नीचे आ गया आंसर। कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता, कैप ये भी गलत हो गया, ये वाला यूनिट है, एक यूनिट है और एक वेक्टर है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तू सही सोचा है, ऑप्शन देख लेनी चाहिए, कई बार ऐसा सोचना ठीक हो जाता है। सही है, ये क्वेश्चन नहीं करो अभी। ये क्वेश्चन थोड़ी मतलब आने वाले टाइम में सर्कुलर मोशन में करवाया जाता है, टाइम मिला जरूर करवा दूंगा। 17th इंपॉर्टेंट है, 17th क्वेश्चन को एक बार पढ़ो प्लीज। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ, हम करेंगे फोर्स का चैप्टर आएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का लॉ ये कहता है कि जो फोर्स होती है इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये फोर्स इंस्टेंटेनियस फोर्स है क्योंकि जब डिफ्रेंसिएशन आता है तो इंस्टेंटेनियस है, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे भी चेंज होता जाएगा, आपकी एफ की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है पी वेक्टर, अब वो पूछ रहा है एंगल बताओ पी वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्या होगा। भाई जब फोर्स वेक्टर पता ही नहीं एंगल कहां से निकालेंगे, तो पहले फोर्स वेक्टर निकालो। अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, एफ वेक्टर इज डी बाय डीटी ऑफ पी वेक्टर, इस पी वेक्टर को उठा के यहां पे पुट कर देते हैं, टू कॉन्स्टेंट आ गया, कॉस टी की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी, टू बाहर आ गया, साइन टी की डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, तो यहां से सॉल्व करके पी वेक्टर आ गया, पी वेक्टर आ गया। एफ वेक्टर क्वेश्चन में मुझे यहां से एफ वेक्टर आ गया सॉरी, और ये पी वेक्टर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो एंगल क्या होगा इनमें,
इनको देखते हुए एंगल क्या होगा, एंगल जीरो होगा, दे आर इन सेम डायरेक्शन, ध्यान से देखना, आई के कोफिशियंट को आई के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करना, क्या आ रहा है, माइनस फोर कॉस टी इंटू साइन टी, जे के कोफिशियंट को जे से मल्टीप्लाई करना, क्या आ रहा है, प्लस फोर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो, डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो तो एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, आंसर 90 डिग्री, तो फोर्स और पी वेक्टर में एंगल 90 है, क्लियर है यहां तक, पर इसके लिए आपको ये फॉर्मूले की जरूरत थी, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये भी बड़ा आता है, देखो जरा स्कूल में भी आता है, तो इसमें एक पैलोग्राम है जो दो वेक्टर से बनाया गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, डायग्राम क्लियर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी के पैरेलल बी, ए के पैरेलल ए, दो डायगनल्स है पैलोग्राम की, एक डायगनल ये रही और दूसरी डायगनल ये रही, डी वन वेक्टर डी टू वेक्टर, नॉर्मली हम इसको ड्रॉ नहीं करते, पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सिर्फ इसको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, डी वन वेक्टर रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर का और B वेक्टर का, आप ट्रायंगल लॉ लगा भी लेंगे तो ये रिजल्टेंट माना जाएगा, देखो क्लोजिंग साइड है इन दोनों की, तो D1 वेक्टर इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो D1 वेक्टर इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर, क्लियर है, लेकिन अगर आप इस वेक्टर को इस ट्रायंगल को देखें तो ये वेक्टर इधर है, ये आगे कंटिन्यू कर रहा है, इसकी क्लोजिंग साइड है, जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट है, तो B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, तो यहां पर रिजल्टेंट क्या है, B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस D2 वेक्टर, ये स्टेप समझ में आया, इसमें B वेक्टर रिजल्टेंट है, D2 रिजल्टेंट नहीं है, B वेक्टर रिजल्टेंट है, B वेक्टर क्लोजिंग साइड है, तो यहां से D2 वेक्टर क्या आ गया, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो एक शॉर्टकट याद करो, पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर ये A वेक्टर ये B वेक्टर, तो ये वाला डायगनल होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और ये डायगनल होगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो ये बताओ कि अगर ये D2 वेक्टर है, इसका D2 की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba cos थीटा, स्क्वेयरिंग कर दिया, और ऐसी यहां से d1 वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, स्क्वेयरिंग कर दिया, अब आप इन्हें ऐड कर दो, ये वाली टर्म इससे क्या हो गई, कैंसिल, तो 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ऑप्शन मार्क कर लेना, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, ठीक है, तो मेन d1 और d2 वेक्टर्स हैं, अगर वो आ गया तो रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट आ गया तो आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें, ठीक है, एक बचा हुआ क्वेश्चन इसको भी दिखाई कर ही देते हैं खत्म, बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है, बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कितनी है v,
तो वी 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 स्पीड है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, आपको डेल्टा वी निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी व्हेन एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द बॉडी एट अ सेंटर ऑफ द सर्कल इज थीटा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अगर इमेजिन करना है, वैसे ये क्वेश्चन इज टू अर्ली, अभी अभी टाइम बचा है तो इसलिए करवा रहा हूं, नहीं तो मैं सर्कुलर मोशन में करवाता। समझ में आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो सर्कुलर में तो समझ में आ ही जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि सपोज आपके पास एक बॉडी है और ये बॉडी किस में मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, राइट। तो ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, कैसे, सपोज यहां पर वेलोसिटी टेंजेंशियल है, जैसे एक पत्थर को यहां स्ट्रिंग टूट गया तो टेंजेंशियल जाएगी, तो पता लगता है कि इसकी वेलोसिटी यहां पर टेंजेंशियल है, तो अगले ही इंस्टेंट पर डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड तो उसका उसका सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेंस सेम, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यहां की बात करें, मान लो यहां पर डायरेक्शन ऐसी थी, अगले ही इंस्टेंट पर डायरेक्शन थोड़ी सी क्या हो गई, चेंज हो गई, अंदर की तरफ हो गई, राइट, क्लियर है। इसके अंदर जो ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसने सेंटर पे और इस वेलोसिटी वेक्टर ने सेंटर पे क्या बनाया, एंगल थीटा। तो उसने ये बोला ना कि सेंटर पे जो एंगल बनाया दोनों वेलोसिटी ने वो थीटा है, तो एंगल कैसे बनेगा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये और ये में कुछ हल्की सी दूरी होगी और क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, सम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, तो एक वेक्टर ने सेंटर पे एंगल बनाया और दूसरे ने बनाया, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। हम सर्कुलर मोशन में देखेंगे, अगर ये थीटा है और ये सपोज वी वन वेक्टर है और ये सपोज वी टू वेक्टर है, आपको के अलग अलग क्यों लिया, वी वेक्टर क्यों लिया, नहीं ले सकते ना, वी वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी, तो ऐसा ले सकते हैं वी वन वेक्टर और वी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पर वेक्टर अलग दिखाने पड़ेंगे डायरेक्शन की वजह से, तो इसमें ये वाला एंगल भी एग्जैक्टली थीटा हो जाएगा, हम करेंगे सर्कुलर में प्रूफ। अच्छा ऐसे इमेजिन कर लो, अगर थीटा जीरो है तो ये वाला और ये वाला पॉइंट एक पॉइंट पे आ गए, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर भी एक दूसरे ओवरलैप हो गए, तो पॉइंट वापस आ गया, यही हुआ इसमें। तो इसके अंदर अगर मैं ये वेक्टर ड्रॉ करूं, देख लो ये वेक्टर ट्रायंगल बन गया, एक वेक्टर दो वेक्टर क्लोजिंग साइड है, तो इसका नाम है डेल्टा वी वेक्टर, तो इसके अंदर वी टू वेक्टर रिजल्टेंट है किसका, वी वन वेक्टर का एंड डेल्टा वी वेक्टर का, तो डेल्टा वी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, वी टू वेक्टर माइनस वी वन, तो ठीक लिख रहा हूं ना, डेल्टा वी वेक्टर ये रहा, राइट, क्लियर है। तो डेल्टा वी वेक्टर रिजल्टेंट है वी टू का और वी वन का, तो एक बात बताओ डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर माइनस टू वी टू वी वन, और एंगल बिटवीन वी टू वी वन इज थीटा, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्लियर है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, पर फिर भी चलो ऑब्जेक्टिव में है तो अभी टाइम था तो करवा दिया। तो ये रहा, तो हर का वेलोसिटी, हर की वेलोसिटी की वैल्यू वी 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 होगी, इसमें प्लस किया इसने, माइनस होना चाहिए था, मैंने माइनस लगाया था ना अभी, माइनस लिया था ना, माइनस आना चाहिए क्योंकि ये वी वेक्टर, ये वी वन लेना चाहिए मुझे, ये वी वहीं से चलते हैं यार, छोड़ो वहीं चलते हैं। तो यहाँ पर ये टर्म आ गई, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर टू वी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट ऑफ टू वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट ऑफ टू वी स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है, तो यहां पे टू वी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा मैथ्स में क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, तो टू इंटू टू बाहर आ गया टू, वी स्क्वायर का वी बाहर आ गया, साइन थीटा बाय टू, यही प्रूव करना था, आंसर आएगा नहीं क्योंकि अभी इट्स टू अर्ली, सर्कुलर मोशन की स्टार्टिंग ऐसी कुछ होती है, तो उसमें जब करेंगे आपको सब समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन आप मत करना टेस्ट के लिए या चीजों के लिए, वैसे एक आइडिया हो गया आपको कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इतना ही सफिशियंट है, ठीक है।